हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, आज हम बना रहे हैं मऊ की स्पेशल डिश यानी कि इंगिस्ती। बच्चा काफी मेहनत कर रहा है, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ कुछ आ रहा है मेरे पापा। तो गाइस हम अपनी दुकान पे आ चुके हैं। हेलो गाइस, हम जो आप जा रहे हैं वो अपना इंगिस्ती का मसाला है। उन्होंने इंडियन मुर्गा लगाया। वेलकम टू अमान ब्लॉग्स। एंड आज बकरीद का तीसरा दिन है, तो आज बकरीद के तीसरे दिन हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें उनके लिए कुछ अच्छा बनाया जाए। गेस्ट आ रहे थे, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज हम बना रहे हैं मऊ की स्पेशल डिश यानी कि इंगिस्ती। तो इस टाइम अमान भाई लोग बैठ के पीस काट रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पीस काटते हुए। चलिए चलते हैं। इस वक्त पीस कट रही है और ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आज हमारे घर बनने वाली है इंगिस्ती। ये पूरी पीस कट रही है। कुछ आता ही मेरे पापा। कुछ इनको आता ही नहीं है कुछ काटना, खाली इन्हीं को आता है। ये काट नहीं रहे, सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। इनको पता नहीं कहाँ से पापा पकड़ के लेके आ गए, अब पता चल रहा कि किसी काम के नहीं है। अच्छा वो देखो, कब से परेशान करके रखा है उसने, कब से बार बार मुंह लगाने की कोशिश कर रही, बार कोई लगाने भी नहीं पा रहा। तो गाइस इस वक्त वो सारी पीसेस कट रही हैं और अभी हम लोग जाएंगे मसाला लेने। इसकी स्पेशल दिखाएंगे आपको, आप भी सीख लीजिएगा बनाने का। हाँ, 500 रुपीज पर मंथ। आज आप सभी लोगों को सिखा दिया जाएगा। तो गाइस हम लोग का गोश्त फाइनली कट चुका है, तो अब हम लोग जाने वाले हैं मसाला लेने और यहाँ पर अमान में बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। वो यूट्यूब इनकम बस ये पागल बना दिया। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको चलते हैं मसाला लेने। और गाइस हम लोग अब जा रहे हैं अपना इंगिस्ती का मसाला लेने। तो वो देखिए पीछे पीछे बानर खड़ा है। बन रहा ही तो है वो। वो देखिए कहीं तक घूर रहा। हम लोग चल रहे हैं अभी मसाला ही। आज काफ़ी धूप हो रखी है, ऐसे इतना दिन से अच्छा मौसम था, आज बहुत धूप हो रखी है। तो फाइनली हम लोग दुकान पे पहुंच चुके हैं, जो दुकान बन चुकी है। जाता है वो दुकान अभी बंद है बट अभी खुल जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। वैसा नहीं है, दूध नहीं है यहाँ पे। मिल जाएगा अभी। तो चल अब मिलते हैं पूरा मसाला लेने के बाद। गाइस हम लोग मसाला लेके आ चुके हैं, ये रहा मसाला, अब चलते हैं मसाला। ये रहा मसाला। चलते हैं घर और पहले तो पपीता लगाएंगे, फिर मसाला बाद में लगता है ना, मसाला बाद में लगेगा। चलिए चलते हैं और पहले पपीता लगाते हैं फिर मसाला। तो गाइस हमारा सारी पीसेस कट चुकी हैं और कुछ मतलब जब पीसेस कट जाती हैं तो उनको गलाने के लिए पपीते की ज़रूरत होती है, तो हम जा रहे हैं वो सब्जी मंडी पपीता लेने। और सुपारी लगा के नहीं, गर्म भी हो किया जाएगा वरना लोग को बोलने पड़ेगा, हे मुंह से सुपारी थूक के बात कर, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चलिए चलते हैं और चलते हुए मिलते हैं और हम अपनी धनु से जाएंगे। इस वक्त हम लोग मैं और अमान भाई हम सभी लोग यहाँ रोड पे जितने लोग दिख रहे सभी लोग जा रहे हैं सब्जी मंडी। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं राइट सब्जी मंडी में। तो गाइस हम पपीते की दुकान पे आ चुके हैं और 60 रुपए का आधा किलो मिल रहा। फाइनली हम पपीता लेके आ चुके हैं, चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं। ये रहा पपीता। किधर रहा पपीता, खाया जाए? अच्छा पक्का तो खाते हैं ना, कच्चे में क्या फर्क है। हम लोग भी गलने लगेंगे।
थुल थुल ही हो जाएगी बॉडी। भाई खुशबू बहुत अच्छी इसकी आ रही है अभी से, मसाला इसमें मिल चुका है और अभी और भी मसाला मिलाना बाकी है। तो गाइस फाइनली पपीता लग चुका है और अब इसको लगा के छोड़ दिया जाएगा। पपीता है, अदरक है, लग चुके हैं अदरक और पपीते और लगाने वाले ये हैं, अब देख सकते हैं। हम सब नहा धो के, हम सब नहीं मतलब मैं खाली तैयार हो चुका हूँ नहा धो के और सारा मसाला वसाला आ चुका है। रुकिए मैं आप सभी लोग दिखाता हूँ, मेरे बाल को क्या हुआ, अब ठीक, अब ठीक है। तो मैं क्या आप लोगों को दिखाता हूँ मसाला, ये तेल है और ये सीख का मसाला, ये पार्ले जी बिस्किट और ये रोटी का वो है मसाला, वो कुछ है रोटी की मारेंगे, और ये इसके अंदर प्याज लहसुन प्याज लहसुन। बाकी अब अंडा इसमें पड़ेगा। ये हमारे सारे मसाले हैं और हम लोगों ने सारी पीस में वो पपीता लगा के रख दिया है। 6 hours later गाइस टाइम हो रहा था सीख लगने का, ऐसे दिन भर धूप थी और इतने टाइम बारिश होने लगी। और हाँ मैं अभी कुछ खा रहा था, देखता हूँ दिखाता हूँ मतलब ये काहे का मसाला, क्यों मसाला, किस में पड़ेगा मसाला, नहीं ये रोटी का मसाला, रोटी में मसाला, इसका टेस्ट काफ़ी गंदा है। और हाँ वो दिखाना मेन चीज़ ये था, मैं तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा। ये हमारा आटा निकल चुका है, अब देखिए हो सकता है अगर बारिश रुक गई तो ठीक, वरना हम कहीं अंदर सीख बनाएंगे। ये कारीगर साहब बैठे हुए हैं, ये आदमी अब तक नहीं गया, सुबह में बुलाया गया था और अब तक गया ही नहीं, बोला सीख पूरी बात बोला करी और क्या ना देख के। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ा देर बाद। सामान है जिसमें इंगिस्ती भुनाएगी, भून दिया जाएगा और इससे किसी इंसान को आप भून सकते हैं। मार दिया जाए हे तलवार, देख नहीं रहे हो साहब की, रुक जाओ ये कारीगर साहब। यस ये इंगिस्ती भुनने के लिए कोयला की बहुत जरूरत पड़ती है। ये देखो मच्छर उठाने चले थे, ये अमान भाई कोयला लेके आ रहे हैं, मेरे को हट जाना पड़ेगा, ठोक ठक दिया होगा। देखो ये बच्चा अभी भी बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है पापा ने सही इंसान को बुलाया, काम करने काम हम कुछ नहीं कर रहे। पेट खराब हुआ था, अभी इसका पेट खराब हो गया था और ये फिर चाप के खाने के चक्कर में पड़ा है। ये क्या लड़के तुम खाने के चक्कर में पड़े हो, पहले बीमार हो गए थे पहले ही दिन, या पूरा गंदगी हो गई यार, मजा आ गई, पूरा गंदा। मैं अभी अपना हाथ पोछ लूं, हैं हाथ पोछ लूं, पोछ लो यार इतना गंदा तो हो ही गया। ऑन कर दिया, ऑन कर दिया अपना काम, मिस्त्री यू कैन जान, मिस्त्री जान, मिस्त्री अमान, मिस्त्री अमान, मिस्त्री जान, मिस्त्री भाई हट जा, तुम्हें कर रहा है तुम्हें ना कर। भाई जान काफी मेहनत कर रहा है इसकी खाने के लिए, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, बारिश हो गई तो पूरा काटने लगा है। तो गाइस ये मतलब आटा बना रहे हैं, और अबू अभी गए हुए हैं मिट्टी का तेल लेने आग लगाने के लिए, आग लगा दी। ये बाबा तेल लेके आ चुके हैं, ये बस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ना अबू, ज़्यादा पड़ जाएगा तो पूरा जलने लगेगा ये सब किनारा भी है। आग लग रही थी, मिट्टी लगी, ये आग लगा दी। अरे वाह, बच्चों को मालूम नहीं कि आग पानी में बाबू भाई से खिलवा देते हैं, आपका बल्ब खराब हो गया। आग पानी और बाबू भाई से खेलना चाहिए ना, आग पानी में किससे नहीं खेलना चाहिए, मच्छर से, मच्छर खेलने ही वाला कहां होता है, उसको एक झापा मारो सन्नाटा खींच लेता है। कमरे में चटाई है, ध्यान आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी,
इतने अच्छे से नहीं लग रही थी, तो इन लोगों ने इंडियन भूंगा लगाया। फाइनली टाइम हो चुका है और हम कई इतनी बार सुबह ऊपर से नीचे नीचे सुबह कर चुके हैं, जगह हमारी फिट हो चुकी है। अब बारिश रुक गई तो हम अपनी इंगिस्ती ऊपर बना रहे हैं। और जो गाइस आपको दिखाते हैं ऊपर का माहौल क्या है। शेक करते हैं उसके बाद हमारी बन जाती है इंगिस्ती। अब फाइनली टाइम हो चुका है, ये सीख लग रही है और काफी हल्ला है, तो इसलिए अब हम कुछ बोलेंगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाएंगे। क्या हो रहा है? धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है और हमारी इंगिस्ती बन चुकी है, क्योंकि आप सभी लोग को दिखाते हैं अपनी इंगिस्ती। ये हमारी इंगिस्ती है और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसी लग रही थी। दान कैसा टेस्ट है? तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर एंड subscribe।